अभी हमारे पास एक प्लान आया था जो कि लगभग 1200 स्क्वायर फीट का था और उसमें होटल की प्लानिंग होती, तो क्लाइंट ने अपना जो प्लान है वो ऑलरेडी पहले से बनवा रखा था और उससे वो सेटिस्फाइड नहीं थे। तो वो जो प्लान था वो भी मैं आपके साथ शेयर करता हूँ, और उसके अलावा जो दो हमने जो उनको ऑप्शन दिए थे वो भी मैं आपको बताता हूँ, और उसमें स्ट्रक्चर से रिलेटेड क्या क्या चैलेंजेस है वो भी बताऊंगा। तो ये वीडियो आपके लिए काफी इन्फॉर्मेटिव हो सकती है, काफी कुछ चीजें इसमें से आपको सीखने के लिए मिल सकती है। तो बिना देरी करे चलते हैं स्क्रीन की तरफ। तो अभी जैसे कि स्क्रीन पर देख रहे हैं, तो ये प्लान इन्होंने बनवा रखा था। तो देख रहे हैं यहाँ पे फर्स्ट फ्लोर और ये सेकंड और थर्ड प्लान यहाँ पर गया है, और बेसिकली ग्राउंड फ्लोर मैं आपको शो नहीं कर रहा हूँ, ग्राउंड फ्लोर पे कुछ खास नहीं था, प्रॉपर ओपन स्पेस था, प्रॉपर पार्किंग थी। तो सिमिलरली ये इन्होंने प्लान बनवाया था। तो अभी इसमें अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर ऑलरेडी यहाँ पे स्टेयर दे रखी है, सेंटर में लिफ्ट आ गया, और एंट्रेंस करते यहाँ पर बेडरूम दे रखे हैं, और इसमें जो पूरा जो एरिया है ना इसमें होटल बन रखा है। तो ये एरिया आपका 1200 स्क्वायर फीट का ये एरिया है, ठीक है, टोटल 22 फीट एक तरह से। अब इसमें क्या क्या प्रॉब्लम्स थे वो मैं आपको सबसे पहले बताता हूँ। सबसे पहले तो ये जो टॉयलेट आप देख रहे हैं, टॉयलेट के बीच में आपका ये छोटा सा ओटीएस दे दिया जिसका कोई भी सेंस नहीं बनता। आपका टॉयलेट ऑलरेडी काफी छोटा साइज है और उसके बीच में ओटीएस देके टॉयलेट के स्पेस को यहाँ पे डिस्टर्ब कर दिया। आप देखेंगे यहाँ पे टॉयलेट सीट दे रखी है, यहाँ पे हैंड वॉश दे रखा है, तो बीच का स्पेस कितना छोटा सा आएगा, यहाँ पे जाने में काफी प्रॉब्लम आएगा। फिर उसके बाद अगर आप देखेंगे तो बेडरूम के साइजेस और जो स्पेस है वो भी अच्छे तरीके से यूटिलाइजेशन इसमें नहीं कर रखा है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये कॉलम आप देख रहे हैं, तो कॉलम यहाँ पर इस तरीके से बीच में आ गया यहाँ पर। फिर उसके बाद अगर हम बात करें यहाँ पर, तो ये देखेंगे तो जैसे टॉयलेट यहाँ पर दे रखा है, तो ये एंट्रेंस करते ही यहाँ पर आपका हैंड वॉश आ गया, टॉयलेट इधर आ गया। तो ये एक सीक्वेंस में होना चाहिए। अगर आपका जिस तरीके से यहाँ पे साइज है ना, मतलब विड्थ आपकी 5 फीट है और लेंथ आपकी 8 फीट है, तो वो एक ही सीध में अगर सारी चीजें आए, वन वॉल पे ही सारी अगर फिटिंग्स आएंगे, तो उससे ये कि फिटिंग का कॉस्ट भी बचेगा, प्लस आपका जो स्पेस है वो भी अच्छे तरीके से यूटिलाइजेशन वहाँ पर हो सकता है। फिर बेडरूम का अगर आप साइज देखेंगे तो 9 फीट बाय 13.5 फीट, 13.5 फीट इज ओके, बट 9 फीट थोड़ा सा मुझे लगता है कि विड्थ और प्रोपोर्शन वाइज जो है वो ठीक नहीं है या फिर ठीक हो सकता है। तो ओवरऑल ये कुछ चीजें थी। और सबसे इंपॉर्टेंट एक और कंसर्न था इसमें कि जितने भी बेडरूम्स वगैरह बने हुए हैं, तो जो भी रिक्वायरमेंट होते हैं, तो फर्नीचर का प्लेसमेंट आपको प्लानिंग में ही करना चाहिए, क्योंकि अगर आप फर्नीचर का प्लेसमेंट प्लानिंग में नहीं करते हैं और उस स्पेस के अकॉर्डिंग आप स्ट्रक्चर बना लेते हैं ना, फिर बाद में हमें लगता है कि यार अगर हम इसमें जो हमारी रिक्वायरमेंट है इसमें अगर 2 फीट थोड़ा सा और बड़ा हो जाता तो हमारे स्पेस बहुत अच्छे तरीके से यूटिलाइज हो सकता था। तो वो जो प्रॉब्लम्स है ना वो आपको इन्हीं तरीके के प्लान्स में होती है। तो ये ओवरऑल मैंने आपको एक आउटलुक दे दिया कि इसमें क्या क्या प्रॉब्लम्स है, अब इसके हिसाब से हमने किस तरीके से प्लानिंग को इम्प्रूव करके बनाया वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इसमें ग्राउंड फ्लोर के बारे में। तो ग्राउंड फ्लोर में जैसे कि आप देख रहे हैं, तो ये पूरा यहाँ से एक तो ओपन स्पेस है, ठीक है, तो हमने अगर स्टेयर केस को सेंटर से आपको उठा करके वन साइडेड कर दिया ताकि स्पेस पूरा ओपन हो जाए। अब इससे ये बेनिफिट मिला, एक तो एंट्रेंस आपकी ये भी थी, तो यहाँ पे आपकी गाड़ियों की पार्किंग आ गई बढ़िया, ये गाड़ियों की पार्किंग आ गई बढ़िया, 29 फीट 8 इंचेस के आसपास स्पेस हो गया, और विड्थ में अगर हम बात करें तो 29 फीट 8 इंचेस बाय 22 फीट का हो गया। उसके बाद यहाँ से एंट्रेंस आ गई, एंट्रेंस करते ही यहाँ पे रिसेप्शन एरिया यहाँ पर दे रखा है, यहाँ पे वेटिंग एरिया आ गया, और यहाँ पे अच्छी सी बड़ी विंडो दे दी यहाँ पर। फिर उसके बाद यहाँ पे डेकोरेटिव आइटम रख सकते हैं क्योंकि एंट्रेंस है, तो एक थोड़ा सा प्रीमियम ने आना चाहिए। फिर यहाँ पे एक ओपन जो आपका रिसेप्शन एरिया है वहाँ पे कॉमन एक वॉशरूम यहाँ पर दे दिया, जो भी स्टाफ है या फिर आपका कोई व्यक्ति आता है जो कि वेटिंग एरिया में वेट कर रहा है तो वो वॉशरूम का वहाँ पर यूज कर सकता है। फिर स्टेयर केस यहाँ पे अलग से हो ही गई है, इसके साथ में लिफ्ट आ गई, और एक स्टोर भी जो हमने यहाँ पर प्रोवाइड कर रखा है कि बहुत सारी आइटम्स होती है जैसे आपके ब्लैंकेट्स वगैरह हो गए, पिलोज हो गए, और भी मल्टीपल आइटम्स होती हैं जो कि आप स्टोर के तौर पर यहाँ पर यूज कर सकते हैं 5 फीट बाय 10 फीट का। तो ये आपका ग्राउंड फ्लोर आ गया। फिर इसी के ही अगर हम फर्स्ट फ्लोर की तरफ चलते हैं, तो स्टेयर से आप आ गए ऊपर, और इसमें स्टेयर केस की यहाँ पर सारी डिटेलिंग यहाँ पर मेंशन है। फिर यहाँ से आप एंट्री करते हैं, सबसे पहले रूम में हम एंट्री करते हैं, तो रूम का साइज अगर आप देखेंगे तो पहले वाले साइज से काफी बेटर है, और फर्नीचर का प्लेसमेंट भी इसमें क्लियरली दिख रहा होगा। यहाँ पे वार्डरोब हो गई, एक छोटी सी टेबल हो गई कि अगर कोई स्टडी वडी टाइप का आइटम अगर काम करना है, और रूम का साइज 14 फीट बाय 14 फीट 6 इंच है जो कि काफी अच्छा साइज यहाँ पर निकल रहा है, और टीवी पैनल यहाँ पर बढ़िया से आ गया। इसके साथ में आपका अटैच टॉयलेट भी आ गया जो कि आपका 5 फीट इसकी विड्थ है और 7 फीट 2 इंचेस के आसपास जो है इसका लेंथ है। तो मतलब ये साइज ऐसा है, बहुत डिसेंट साइज है, ना बहुत ज्यादा कम है ना बहुत ज्यादा है जिससे कि स्पेस की वेस्टेज हो रही है। तो मतलब एक टॉयलेट का जो स्टैंडर्ड साइज होटल के हिसाब से होना चाहिए वही साइज ले रखा, और तीनों चीजों की रिक्वायरमेंट अच्छे तरीके से यहाँ पर फुलफिल हो रही है। फिर उसके बाद हम बढ़ते हैं आगे की तरफ, तो 4 फीट का यहाँ पर पैसेज दे रखा है। फिर आपका सेम एक और रूम आ गया जिसका साइज है 12 फीट 4 इंचेस बाय 9 फीट का स्पेस आ गया। फिर उसके बाद भी सेम सारी फर्नीचर की यहाँ पर सेटिंग हमने कर रखा है, और टीवी पैनल के लिए लंबा खासा स्पेस यहाँ पर अच्छा खासा आ गया। उसके साथ में अटैच टॉयलेट अगर आप देखेंगे तो 5 फीट बाय 7 फीट 2 इंच जो कि आपका सेम यही साइज है। फिर हम बात करते हैं बेडरूम, सॉरी बेडरूम 5 था ये, अब नेक्स्ट बेडरूम के बारे में बात करते हैं, तो इसका साइज है 13 फीट 4 इंच बाय 12.5 फीट, और सेम इसी तरीके की यहाँ पर भी सेटिंग कर रखी है, सेम 10 फीट बाय 13 फीट का ही आपका बेडरूम 3 आ गया। फिर इसके साथ में भी सेम एक अटैच टॉयलेट आ गया, इसके साथ में एक डक्ट दे रखा जो कि एक मस्ट नीडेड डक्ट था जिसमें कि पाइप्स वगैरह जितने भी है वो चले जाएंगे और दोनों टॉयलेट के साथ यहाँ पर आ जाएगा, और टॉयलेट का जो साइज है वो भी यहाँ पर जो है वो वेस्ट नहीं हो रहा। तो ये हो गया। फिर 2 फीट 3 इंचेस बाय 9 फीट 3 इंचेस की पूरी अच्छी खासी डक्ट है जो कि प्रॉपर वेंटिलेशन आपको मिल
मिल रहा है, सेम टाइम पे आपका बेडरूम 3 का, टॉयलेट का, टॉयलेट का और बेडरूम 4 का। ऑब्वियसली बात है कि जब स्पेस कम होता है, रिक्वायरमेंट ज्यादा होती है और ऐसे कॉमर्शियल एरियाज में अगर यहाँ पे हमने डक्ट दे रखा है तो हमारी ये पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है कि हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी की 1, 2, 3, 4 तो चारों के लिए वेंटिलेशन का प्रोविजन उसमें से किया जाए। तो इस तरीके से ये ओवरऑल जो प्लानिंग निकल के आई थी, ये पहला ऑप्शन था और इसमें कुछ चैलेंजेस आए थे क्योंकि जब हमने स्टेयरकेस एक तरफ कर दिया था तो ग्राउंड फ्लोर का जो स्पैन है ना काफी लंबा हो गया था, जिस वजह से कॉलम्स जब हमने स्ट्रक्चर को डिजाइन किया तो काफी हैवी आ रहे थे। तो उस चीज को ध्यान में रखते हुए फिर से हमने रिवाइज प्लान करा। तो वो प्लान हमने किस तरीके से करा स्ट्रक्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से उसको इंप्रूव करने के लिए, वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। तो इसमें अगर आप देखेंगे तो स्टेयरकेस अगेन हमने इसमें सेंटर में दे दी। अब इसमें इसको हमने दो पार्ट में तोड़ा, यहाँ पे पार्किंग इधर आ गई, फिर इधर भी एक पार्किंग स्पेस आ गया। तो सबसे पहले तो दो गाड़ियों की पार्किंग यहाँ पे आ सकती है और दूसरी इसके ऊपर भी अगर थोड़ा सा बाहर करके अगर रैंप के ऊपर पार्किंग आए तो 4 भी आ सकती है। फिर उसके बाद यहाँ से आपकी एंट्रेंस होगी, सेंटर से एंट्री होती, रिसेप्शन एरिया यहाँ पर आ गया है और रिसेप्शन एरिया के जस्ट साथ में आपकी स्टेयरकेस यहाँ पर आ गई। स्टेयरकेस के जस्ट बगल में ही यहाँ पर लिफ्ट का प्रोविजन यहाँ पर दे रखा है। और बहुत सारे केसेस में आपने देखा होगा कि स्टेयरकेस जो होती है उसके, जैसे फॉर एग्जांपल स्टेयरकेस उसके बीच में ही लिफ्ट का प्रोविजन रखते हैं, तो वो एक अच्छी अप्रोच है। लेकिन एक उसका छोटा सा नेगेटिव पॉइंट ये है कि जैसे फॉर एग्जांपल आपकी बिल्डिंग में अगर आग लगती है, तो अगर आपकी आग लगती है बिल्डिंग में और मान लिया स्टेयरकेस पे आग लग रही है या फिर आपकी लिफ्ट में आग लग रही है, तो दोनों एरिया जो ब्लॉक हो सकते हैं, तो नीचे जाने के लिए वो स्पेस नहीं मिल पाता। तो रिकमेंड जनरली यही किया जाता है कि अगर अलग अलग हो तो ज्यादा बेटर है। फिर सेकंड में आप देखेंगे तो स्टेयरकेस और लिफ्ट दोनों को हमने यहाँ पर अलग अलग यहाँ पर कर दिया और स्टेयरकेस की सारी डिटेलिंग यहाँ पे मेंशन है। बीच में वेटिंग एरिया आ चुका है और पाउडर रूम जो है इसका साइज है 4 फीट बाय 8 फीट 2 इंचेस का। इसके साथ में हमने एक किचन यहाँ पे दे रखी है जो कि आपका जो किचन बेसिकली जहाँ पर रेस्टोरेंट टाइप से अगर रूम्स के लिए खाना वाना बनाना है तो वो एक किचन यहाँ पे 9 फीट 8 इंची बाय 10 फीट 9 इंची का स्पेस छोड़ दिया और यहाँ पे कंप्लीट डाइनिंग एरिया यहाँ पर छोड़ रखा है। अब वो उनकी मर्जी है, यहाँ पर रेस्टोरेंट बनना चाहे रेस्टोरेंट बना सकते हैं या फिर इसको भी आप चाहे तो पार्किंग स्पेस में यूज कर सकते हैं। अब हम चलते हैं इसके फर्स्ट फ्लोर की तरफ। तो फर्स्ट फ्लोर में अगर हम बात करें तो स्टेयर केस से बंदा चढ़ के यहाँ पे ऊपर आ गया तो पैसेज काफी चौड़ा यहाँ पे मिल रहा है, लिफ्ट यहाँ पे ओपन हो रही है। और सबसे पहले हम बात करते हैं बेडरूम 1 के बारे में। तो यहाँ पे एंट्री करते ही बेडरूम 1 हो गया जिसका साइज है 11 फीट 3 इंचेस बाय 14 फीट 1 इंचेस का। एंड इसके साथ में एक अटैच टॉयलेट आ गया जिसका साइज है 4 फीट 9 इंचेस बाय 8 फीट का। ओके, एंड फिर उसके बाद करते हैं हम बात बेडरूम 2 के बारे में। तो बेडरूम 2 अगर आप देखेंगे तो 11 फीट 9 इंचेस बाय 12 फीट 9 इंचेस का है, अटैच टॉयलेट आ गया। इसके साथ में पीछे एक डक्ट दे दी जिसमें कि आपका बेडरूम और टॉयलेट दोनों का यहाँ पर वेंटिलेशन आ गया है। अगर हम चाहें तो स्टेयर केस का भी यहाँ पर वेंटिलेशन यहाँ पर दे सकते हैं। फिर उसके बाद हम बात करते हैं बेडरूम 3 के बारे में। तो इधर आपका बेडरूम 3 आ गया जिसका साइज आपका 10 फीट 9 इंचेस बाय 12 फीट 9 इंचेस का। सबसे इंपॉर्टेंट बात कहना, जो भी रूम्स है उसमें फर्नीचर लेआउट एक्चुअल में प्लेस है। इसका आपको नहीं पता कि क्या बेनिफिट है, लेकिन बेनिफिट बहुत अच्छा होता है कि अब इसमें क्या है कि अगर मान लिया इलेक्ट्रीशियन इनका काम करता है, प्लम्बर काम करता है, जो भी काम करेगा यहाँ पे, तो या फिर कारपेंटर काम करेगा, तो उसे एक्चुअल में पता है कि कौन सी चीज किस साइज की और कहाँ पर उसको बनाने, तो वो उसी हिसाब से पॉइंट उसमें ले लेगा। तो ये काफी एक प्लस पॉइंट होता है इस चीज में। और बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि इस तरीके का फर्नीचर लेआउट जो है वो आपको क्रिएट नहीं करके देते, फिर उसको इंटीरियर्स में घुसा करके इंटीरियर्स में आपसे एक्स्ट्रा पैसे चार्ज कर देंगे। तो अगेन फिर हम बात करते हैं बेडरूम 4 के बारे में। तो बेडरूम 4 में अगर हम बात करते हैं तो 12 फीट 6 इंचेस बाय 10 फीट 8 इंचेस का साइज हो गया। इसके साथ में भी अटैच टॉयलेट है, साइज आपका 5 फीट बाय 8 फीट का हो गया। और फिर हम बात करते हैं बेडरूम 5 के बारे में। और बेडरूम 5 की अगर हम बात करें तो इसमें आपका 10 फीट 8 इंचेस बाय 12 फीट का आ गया। और यहाँ पे अगर देखेंगे टॉयलेट का साइज बहुत डिसेंट है, 4.5 फीट बाय 9 फीट 1 इंचेस का है। और दोस्तों अगर मैं अगर टॉयलेट के बारे में बात करूँ, टॉयलेट डिजाइनिंग अपने आप में एक बहुत बढ़िया टास्क है और बाथरूम डिजाइनिंग के ऊपर जो है हमने ऑलरेडी डिटेल्ड कोर्स क्रिएट कर रखा है। अगर आप उसको लेना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, तो उसका लिंक भी मैं आपको दे दूंगा नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां पर जाकर के चेक कर सकते हैं। दोस्तों कैसी लगी आपको ये वीडियो मेरे को बताइए, कौन सा पॉइंट आपको अच्छा लगा मेरे को नीचे कमेंट बॉक्स में बताइए, कोई भी क्वेश्चन है तो मेरे को नीचे पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में। और इस तरीके का कंटेंट रेगुलर पाना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट भी कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।